प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हो, हम अपना 8वां पाठ विशेषण पढ़ रहे हैं। आज हमें अपने पाठ के अभ्यास प्रश्न करने हैं, लेकिन अभ्यास प्रश्न करने से पहले हम इस बार अपने पाठ की एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन इसको कर लेते हैं, ताकि अभ्यास प्रश्न करते समय हमें कोई परेशानी न हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परिभाषा से, विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें हम कहेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण वे शब्द होते हैं बच्चों जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के तौर पर, पेड़ पर मीठा आम लगा है। तो यहाँ पे मीठा आम, तो मीठा विशेषण है। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, आम की। आम का, आम की क्या विशेषता है कि उसका स्वाद मीठा। तो इसी तरह बच्चों, विशेषण जो है संज्ञा की विशेषता बताता है। तो कभी कभी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा भी आ जाती है, जैसे इसी का हम उदाहरण बता रहे हैं, पेड़ पर मीठा आम लगा है। तो संज्ञा एक से अधिक भी हो सकता है, पेड़ पर मीठा आम लगा है। इसके अंदर हम देख रहे हैं संज्ञा, दो संज्ञा है, तो एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा भी आ सकता है। तो किस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, हमारा ध्यान किस पे जाएगा, किस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है। हमने देखा पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताया कि विशाल पेड़ है, कि छोटा पेड़ है, कि मोटा पेड़ है, पेड़ की विशेषता नहीं बताई गई है, आम की विशेषता बता दी। तो ये दो संज्ञा है, पेड़ और आम, और लेकिन विशेषता आम की बताई गई है, तो मीठा विशेषण शब्द। तो बच्चों, मीठा जो है ये हमारा विशेषण है। आम है विशेषण, मीठा है विशेषण, आम है संज्ञा। हमें पता है आम संज्ञा है, पेड़ भी संज्ञा है। यहाँ पे अगर हम कहेंगे पेड़ भी संज्ञा है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो हम इस आम को विशेष्य भी कह सकते हैं। तो विशेष्य क्या है बच्चों, इसकी एक बार परिभाषा जान लेते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो ये संज्ञा हो गया, आम भी संज्ञा है लेकिन इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो इसलिए हम इसे विशेष्य कह रहे हैं। और मीठा शब्द जो है वो विशेषण, मीठा शब्द क्या है, विशेषण। तो हम आज हमने इनकी परिभाषा कर ली। अब चलते हैं भेद, किसके भेद, विशेषण। तो विशेषण के चार भेद हैं, कौन कौन से हैं हम उसको लिख देते हैं, आपको याद आ जाएगा। आपको परिभाषा वो दोनों की याद हो चुकी है, किस किस की, विशेषण और विशेषण। अब हम भेद पे चलते हैं, एक बार फिर से परिभाषा जल्दी से कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य की, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब हम विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद, हमें पता है विशेषण के चार भेद होते हैं, कौन कौन से बच्चों। पहला है गुणवाचक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण दूसरा है संख्यावाचक, इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, संख्यावाचक। ऐसी बात नहीं है कि मैं अगर दूसरा संख्यावाचक लिख रहा हूं तो आपको भी दूसरा लिखना है, क्रम भेद में कोई भी क्रम आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। विशेषण तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है संकेतवाचक, विशेषण। तो बच्चों ये थे हमारे विशेषण के भेद। अगर हम इसको छोटे में बताना चाहें तो गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की के गुण, रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें हम उन विशेषणों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का हमें बोध कराते हैं, जैसे 40 छात्र, 5 गेंदे, तो यहाँ पे संख्या का ही पता चलता है। परिमाणवाचक विशेषण जो है ये वे विशेषण हैं जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, तो यहाँ 5 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है, कपड़ा विशेष। तो ये था संकेतवाचक विशेषण। ये असल में क्या है, वे सर्वनाम हैं जो किसी संज्ञा के आगे आकर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह विद्यालय मेरा है, तो यहाँ पे वह क्या है, संकेतवाचक विशेषण है, वह संकेत कर रहा है। क्या संकेत कर रहा है, कि वह विद्यालय, किसी खास विद्यालय की हम बात करें, वह विद्यालय मेरा है। तो विशेषण के भेद के बाद बच्चों अब हम चलते हैं विशेषण का के प्रयोग पर, विशेषण के प्रयोग पर लिंग और वचन का प्रभाव जानते हैं। तो विशेषण जो है हम लिख देते हैं इसको, विशेषण के प्रयोग पर, के प्रयोग पर वचन का प्रभाव और लिंग का प्रभाव। तो विशेषण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका वचन और लिंग के अनुसार उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम वचन कहते हैं, वचन कितने प्रकार के हैं आपको पता ही है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम चलते हैं, वचन हुआ हरा पत्ता, और जब हम एक वचन यहां पे हम लिखेंगे, पत्ता जो है एक वचन, और जब हम वचन बहुवचन में हैं तो हम लिखेंगे विशेषण को हरे पत्ते, एक बहुवचन। तो बच्चों हमने देखा कि वचन के अनुसार
विशेषण में भी परिवर्तन आ गया है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। एक वचन में हरा पत्ता और बहुवचन में हरे पत्ते। उसके बाद हम देखते हैं लिंग का प्रभाव, काला घोड़ा। घोड़ा हमें पता है पुलिंग है, और काली गाय, काली गाय ये स्त्रीलिंग है। इसको जरा समझ लेते हैं। विशेषण इसमें जब हम घोड़ा की बात कर रहे हैं तो हमने काला घोड़ा कहा है, और जब गाय की बात किया है, घोड़ा क्या है पुल्लिंग है और गाय क्या है स्त्रीलिंग है, तो विशेषण में क्या बदलाव आया? जब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो हमने काली का प्रयोग किया है, और जब हमने पुल्लिंग का प्रयोग किया है, घोड़े का प्रयोग किया है, तो हमने काला का प्रयोग किया है। तो हमने देखा कि लिंग के अनुसार विशेषण पे प्रभाव पड़ता है, वह बदल जाता है। वह क्या होता है? वह बदल जाता है। वचन के अनुसार भी एक वचन में हमने हरा पत्ता लिखा था, लेकिन बहुवचन में हमने लिखा हरे पत्ते, तो विशेषण हरा से हरे हो गया। एक वचन या बहुवचन के अनुसार इसमें हमने परिवर्तन देखा। तो बच्चों एक ये था विशेषण का, हमें ये भी नियम पता होना चाहिए कि हम जब विशेषण कह रहे हैं तो उसका वचन और लिंग पे प्रयोग के समय प्रभाव पड़ता है। लिंग और वचन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेषण लिंग और वचन के अनुसार विशेषण में परिवर्तन आता है। तो हमने ये उदाहरण देख लिया। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही सरल है। तो शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द पर घेरा लगाओ। तो वाक्य दिए गए हैं, हमें उसमें से विशेषण शब्द को पहचानना है तथा उस पर घेरा लगाना है। तो हमें कुल मिला के 5 वाक्य दिए गए हैं। हम पहले वाक्यों को लिखेंगे और फिर उसके विशेषण शब्द को पे घेरा लगाएंगे। हमें पता है विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहते हैं। तो प्रश्न एक, निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों पर विशेषण शब्दों पर घेरा लगाएं, घेरा लगाइए। पहला वाक्य है हमारा, सुंदर चित्र देखो। पहले वाक्य को हम पढ़ेंगे, चित्र देखो। तो सबसे पहले बच्चों हम अपने वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य में संज्ञा को भी पहचानेंगे। अगर हमने संज्ञा पहचान लिया तो हमें क्या देखना है, उस शब्द की को देखना है जो उसकी विशेषता बता रहा। सबसे पहले हम वाक्य में वाक्य को पढ़ेंगे, सुंदर चित्र देखो। इसमें संज्ञा को पहले पहचानना, हमें पता चला चित्र संज्ञा है,
इसकी विशेषता क्या है, चित्र की क्या विशेषता है, उसका गुण क्या है कि बहुत सुंदर है। और देखो तो क्रिया है, हमें पता ही है, देखना देखो तो एक क्रिया है, तो सुंदर चित्र देखो। अब हमें क्या करना है, विशेषण जो शब्द है उसको हम पहचान गए हैं, उस पर टोला लगाए या घेरा। तो इसी तरह हमें और भी वाक्य दिए गए हैं, हम उन सबको क्या करेंगे, उन पे घेरा लगाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा वाक्य। हमारा दूसरा वाक्य है, यह नीली कमीज है पूर्णविराम। पहले वाक्य को हम पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे तो हम क्या जानेंगे कि सबसे पहले हमें संज्ञा की पहचान करनी है। हमें किसकी पहचान करनी है, संज्ञा की। अगर हम संज्ञा पहचान गए तो हम तुरंत संज्ञा की विशेषता पे आ जाएंगे। संज्ञा की क्या विशेषता बताई गई है इस वाक्य पे, और वही शब्द विशेषण परिभाषा के अनुसार भी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो हम विशेषण को आसान से पहचान जाएंगे। अब हम चलते हैं इसी को, यह नीली कमीज है, तो कमीज की क्या है विशेषता, उसका रंग क्या है नीला, उसका गुण क्या है, रंग भी गुणवाचक विशेषण है। हमने आपको बताया था कि रंग रूप आकार, रंग रूप आकार स्वाद अच्छाई बुराई, यह गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे रंग दिया हुआ है, तो ये कमीज का हम कहेंगे यह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह कमीज का गुण बता रही है। तो जो विशेषण गुण बताता है, अब गुण में क्या आया, रंग रूप आकार स्वाद अच्छाई बुराई, तो रंग है तो ये गुणवाचक विशेषण है। हम अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं। या फिर बच्चों आपको भी साथ साथ करते जाना है, साथ साथ करने से आप आसानी से और शुद्ध लिख पाएंगे। अब हम अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं। हमें कुल 5 वाक्य दिए गए हैं, अब हम अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, छोटे बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे रोते हैं, तो हम लिखेंगे तीसरा वाक्य है, छोटे बच्चे रोते हैं पूर्णविराम। हम अपने चौथे वाक्य को भी लिख देते हैं, गायत्री नाम है, गायत्री ठंडा दूध पीती है, उसके बाद 5वां वाक्य है, माँ ने 2 खिलौने खरीदे पूर्णविराम। अब हम एक एक करके वाक्यों को पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द पर घेरा लगाइए। हमें विशेषण शब्द पहचानना है, मैंने आपको विधि बताई थी। सबसे पहले वाक्य को हम 1 या 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञा की पहचान करेंगे, और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा हो वही विशेषण होता है। तो हमारा तीसरा वाक्य है, देखो, छोटे बच्चे रोते हैं,
खून गया। छोटे बच्चे रोते हैं, यहाँ संज्ञा बच्चे, बच्चों की विशेषता है। कौन बच्चे? सभी बच्चे नहीं, जो छोटे होते, आयु में। तो यहाँ छोटे बच्चे, तो छोटे है हमारा विशेषण शब्द। हम इस पे घेरा लगा के चौथा है, गायत्री ठंडा दूध पीती है, तो संज्ञा पहचानेंगे, नाम है गायत्री, ये भी संज्ञा है, दूध भी संज्ञा है, पीती है ये तो क्रिया है। हमने संज्ञा को पहचान लिया, हमने संज्ञा को क्या पहचाना कि गायत्री है नाम, दूध भी वस्तु है, ये भी संज्ञा है, लेकिन किसकी विशेषता बताई गई? गायत्री की विशेषता नहीं बताई गई, दूध की विशेषता बताई। दूध कैसा है? ठंडा है। तो दूध का गुण कैसा है? ठंडा है। तो हम इसे विशेषण को पहचान लें, हम इस पर गोला लगाते हैं। इसी तरह हम अपना पांचवा वाक्य भी पढ़ेंगे। पांचवा वाक्य, माँ ने दो खिलौने खरीदे, तो माँ संज्ञा हो गई, खिलौने भी संज्ञा है, खरीदे क्रिया है। तो किस संज्ञा की विशेषता दी गई है? माँ की नहीं दी गई, खिलौने की दी गई है विशेषता, क्या है? दो। इसमें खिलौनों की संख्या दी गई है बच्चों, तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। मैंने बताया था जब किसी वस्तु की संख्या का हमें बोध होता है, तो यहाँ पे दो संख्या बताई गई है, खिलौनों की कितनी संख्या है? दो। तो दो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो हम इसको लिखेंगे, इस पर घेरा लगाएंगे, दो, ये विशेषण शब्द। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, हमने इसे पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही सरल है। अब हमें विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाने हैं। हमें दो सूची दी गई है, विशेषण की और विशेष्य की। अब हम उसके जोड़े बनाएंगे, सही जोड़े बनाने हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा दूसरा, तो लिखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। विशेषण और विशेष और विशेष के जोड़े बनाओ। जोड़े बनाओ, हमारा पहला है। पहले मैं विशेषण शब्द लिखूंगा, फिर विशेष। तो पहले है जो शब्द है विशेषण है, ऊंचा, फिर है गरम, मेहनती, फिर है तिरंगा, फिर है पीला, उसके बाद है चार, फिर है बड़ा, उसके बाद है मोटा। विशेषण शब्द है। अब हम विशेष लिख रहे हैं। पहला दिया है किसान, उसके बाद दूसरा शब्द दिया है झंडा, उसके बाद पपीता,
उसके बाद दिया है पर्वत, फिर है चाय, फिर बंदर, फिर है पेड़, उसके बाद अंतिम शब्द किताबें। किताबें बहुवचन, बहुवचन। तो बच्चों ध्यान से इसको देखेंगे हम, विशेषण और विशेषक ये होते क्या हैं? विशेषण और विशेष्य, विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इनका मिलान करना है, इनके जोड़े बनाने हैं सही वाला। तो शुरू करते हैं, पहला पहला है ऊंचा पहाड़। पहाड़ क्या होता है? पर्वत, पर्वत है ऊंचा पर्वत, तो इसको मिला देते हैं। तो पर्वत की क्या विशेषता होगी? वह ऊंचा है। पर्वत की क्या विशेषता है यहां बच्चे? कि यह पर्वत ऊंचा है, गर्म, गर्म किसान हो नहीं सकता, झंडा पपीता। सबसे सही कौन सा शब्द है? चाय, हमें पता है चाय गर्म होती, तो चाय की विशेषता क्या है? गर्म। तो हमने इसका मिलान कर दिया, गर्म चाय। मेहनती किसान, झंडा पपीता, बंदर, तो किसान सबसे, आपने देखा है किसान अपने खेतों में हल चलाता है, बहुत परिश्रम करता है, इसीलिए किसान को मेहनती कहा गया। हम लिखेंगे मेहनती किसान, इसको मिलान कर दिया, जोड़े बना दिया सही। तिरंगा, हमारा झंडा तीन रंगों का होता है, तो तिरंगा झंडा। झंडे में तीन रंग कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में है सफ़ेद, और नीचे है सफ़ेद नील हरा। हमारे झंडे में तीन रंग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, और नीचे हरा रंग है, और बीच में अशोक चक्र होता ही है। तो हम तिरंगा झंडा, तीन रंगों वाला झंडा। तो झंडे की क्या खासियत है? वह तीन रंग का है, उसमें तीन रंग हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी तिरंगा है। अब चलते हैं पीला, पीला बंदर, पीला पेड़, किताबें, पपीता। पका हुआ पपीता पीले रंग का होता है, हमें पता है, तो हम लिखेंगे पीला पपीता, पीला पपीता। अब चलते हैं चार, बंदर भी हो सकता है, किताबें भी हो सकता है, बड़ा बंदर भी हो सकता है, तो कौन सा सही होगा? तो इसको एकदम ध्यान से हमें करना है, कौन सा ज्यादा उपयुक्त है। बड़ा बंदर भी लिख सकते हैं, मोटा बंदर भी लिख सकते हैं, और चार बंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन बाकी चीज नहीं हो पाएगा। अगर हम चार लिख देंगे तो किताबें गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डालते हैं चार किताबें, ये बहुवचन में है किताबें, तो चार होना ही चाहिए, तो चार किताबें सही हो गया। बड़ा बंदर या बड़ा पेड़, मोटा बंदर क्या हो सकता है इसमें? हम कहेंगे बड़ा पेड़ बड़ा होता है, बड़ा पेड़ और मोटा बंदर, क्या हुआ ये? मोटा बंदर। अब सही लगा, अब एकदम हमने सही लिखा है, एकदम उपयुक्त है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ऊंचा पर्वत, गरम चाय, मेहनती किसान, तिरंगा झंडा, पीला पपीता, चार किताबें, मोटा बंदर, बड़ा पेड़। तो ये था हमारा बच्चों विशेषण और विशेष्य के जोड़े।
तो हमने देखा हमने सही विशेषण दिए गए विशेष्य के लिए चुना है। तो यही है आज का आपका गृह कार्य है कि आप जो अभ्यास प्रश्न के हैं जो ये पहला और दूसरा उसे अपने व्याकरण की पुस्तक में आपको करना है। और आज के लिए इतना ही, कल हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे। गृह कार्य फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, आपको अपना पहला अभ्यास प्रश्न और दूसरा अभ्यास प्रश्न उसे कर लेना है। हम कल से अपना तीसरा अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।